आज मैं आप लोगों के साथ चाइनीज स्टाइल मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। घर में मिलने वाले सामान से कम मेहनत और झंझट में फटाफट से बन जाती है, और घर पर अगर आप इसे एक बार बना करके खाएंगे तो कैफ़े जाकर के मैक्रोनी पास्ता खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आप इसे चाहे तो बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं या फिर उनके टिफ़िन में भी डाल सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस कैफ़े स्टाइल मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो यहाँ पर हमने मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए 3 कप पैन के अंदर पानी डाल दिया है और 1 कप यहाँ पर हमने मैक्रोनी पास्ता लिए हैं। तो इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया है। इससे जो हमारे पास्ता है वो चिपकते नहीं है और बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें और मीडियम फ्लेम पर इन्हें 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने दें। तो अब आप देखें कि हमारे पास्ता है जो वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने पैन के अंदर 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसके बाद 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल करके उसे अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर बारीक कटी हुई एक हरी मिर्ची डाल देंगे, इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे बारीक काट लिया है और उसे भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो अब यहाँ पर हमने मीडियम साइज की एक शिमला मिर्च ली है, उसे भी बारीक काट लिया है, और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, उसे भी बारीक काट के डाल दिया इसमें। तो इस सभी को अच्छे से मिक्स कर दे, यानी कि अच्छे से मिला दे। तो अब यहाँ पर हमने आधी छोटे चम्मच काले मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच रेड टमाटो केचप डाल दिया है। तो अब इन सभी को भी आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करने देंगे। तो अब ये सभी अच्छे से कुक हो चुके हैं और हमने जो मैक्रोनी को बॉईल करके तैयार कर लिया था उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब आप देखें कि हमारे जो पास्ता है वो आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं है, क्योंकि हमने उनको बॉईल करते समय थोड़ा सा ऑयल डाला था। तो हमारे जो पास्ता है वो रेडी है। तो अब हम इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देते हैं। तो है ना कितना सिंपल और आसान सी रेसिपी, कुछ ही मिनटों में घर पर मिलने वाले सामान से आसानी से कम मेहनत और झंझट में बन जाती है। मुझे तो इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो क्यों ना आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये चाइनीज स्टाइल मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ।